Hello friends, I am Manish Sharma. Today I will take your chapter 13, Surface Area and Volume, class 9, CBSE. So, today we will start your exercise 13.4, question number 5, right? So, first question, a hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5. 10.5 centimeter, find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeters. Means hemispherical ball, you know hemispherical ball. So this is question number 5, and hemispherical ball means this is hemispherical ball, right? This is radius and this is hemispherical ball. Clear, understood? Then katora, कटोरी देखा है घर में, उसके शेप का हेमिस्फेरिकल बॉल होता है, राइट? सो उसके अंदर हमको क्या करना है, कलर टिन प्लेटिंग स्टील का, दैट इज सपोज दैट फॉर एग्जांपल जैसे ये दैट इज अ हेमिस्फेरिकल बॉल, इसके इनसाइड हमको क्या करना है, इनसाइड इस पे हमको क्या करना है, इनसाइड टिन प्लेटिंग शाइनिंग की प्लेट चढ़वाना है, ठीक है? तो हम उसको क्या करें, तो उसने बोला है देन डायमीटर, डायमीटर मींस यहां से लेकर यहां तक ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ ऑफ डायमीटर, राइट? 25 टू 10 टू 24 टू 5 टू 10, ओके, राइट? देन एंड क्वेश्चन गिवन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, सो कॉस्ट ऑफ या टिन प्लेटिंग रेट, टिन प्लेटिंग रेट इक्वल टू रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेटिंग करने का रेट 16 रुपीज है. तो फर्स्ट वी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज द, ये हमको इनसाइड का निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2πr² क्लियर, 2πr² क्लियर, अंडरस्टूड? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2πr², देन नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2 इनटू पाई मींस 22 अपॉन 7 इनटू r मींस 5.25, देन नाउ वी राइट 2 टाइम 5.25 इनटू 5.25. Then after decimal, 2 digit. Then remove the decimal. Then now we can write 100. Remove the decimal. Then 100. Clear. Then cut. 7. 7 is 49. 50. 51. 52. 3. Then 3 there. So 7. 5 is 35. Clear. Then 25. 3 is 75. 25. 4 is 100. 2. 1 is 1. 2. 2 is 4. And 2. 11 time cut. Clear. So this is 11 into 3 into 5 to 5, 5 to 5 upon 100. कितना आएगा इसका? हम हमारा टाइम बचा लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं कितना आएगा. तो इसका आएगा हमारे पास 33 into 5 to 5 equal to 1732 equal to 1732 5. And downside 100, then decimal 1, 2. So there are 173 centimeter square. That is the curved surface area of the hemisphere, right? 173. So then this is 2πr², na? Pi and right. Okay. So curved surface area of the, then अब हमारे पास क्या दिया उसने, 100 प्लेटिंग टिन प्लेटिंग रेट क्या दिया, 16 रुपीस. सो यहां लिख देते हैं 17, यहां लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग रेट, टिन प्लेटिंग प्लेटिंग रेट इक्वल टू रुपीस 16, है ना? देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग रेट इक्वल टू, so 1600 into
16 upon 100 इतने रुपीस देयरफॉर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन प्लेटिंग रेट सो 173.25 इनटू 16 अपॉन 100 173. सो राइट अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो चेक करने पर देखते हैं अपन कितना आता है सो 173.25 into 16 equal to so this is 2772 upon 100 so this is answer rupees 27.72 rupees clear understood 27 रुपीस 72 रुपीस में उसके अंदर हमको टिन प्लेटिंग करवाने का कॉस्ट देना पड़ेगा चेक योर आंसर सो ओके दिस इज योर राइट आंसर क्लियर सो नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 Then, find the radius of the sphere whose surface area. अब radius of the sphere find करना है हमको. Question number 6. Radius of the sphere. So, in sphere. This is sphere. Right? And question given. In sphere. Surface area of sphere. So, question given. Curve. Surface area. Of sphere equal to 4 pi r square होता है and question given हमको कितना दिया उसने surface area दिया है 154 centimeter square equal to 4 into pi means 22 upon 7 into r square value हमको find करना है इसका हमको r find करना है right so r square equal to 154 solve by cross multiplication upon 7 into 4 into 22 clear then 11 से हम कट कर सकते हैं 11 2 जा 22 11 बन जा 11 carry 4 11 4 जा 44 clear then 2 7 जा 14 then r square equal to 7 into 7 49 so this is 49 upon 4 then we can write or r square equal to 7 upon 2 ka whole square right so square to square cut then r equal to 7 upon 2 or we can write 3.5 centimeter this is the radius of the sphere this is r equal to this 3.5 centimeter check your answer right answer right so now we'll take question number 7 right clear understood so now we'll take question number 7 what is question number 7 then the diameter of the room is approximately 1/4 of the diameter of the moon aap dekho bahut acha question hai that is question number 7 diameter of the moon 1/4 of the earth diameter so what is earth diameter I don't know so first now we write let the earth diameter be x earth diameter be x then one side this is suppose that moon ye moon ho gaya hai na ye moon ho gaya and moon se badi kya hai earth hai to ye earth ho gaya clear अब उसने क्या दिया है कि मून डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ जब अर्थ का डायमीटर पता होगा तभी तो हम उसका वो कर पाएंगे अर्थ का डायमीटर होगा हमको पता सपोज दैट अर्थ डायमीटर भी x अर्थ का डायमीटर क्या है x है राइट अब हमको अगर उसने बोला है मून का डायमीटर 1/4 है किसके अर्थ के डायमीटर की तो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x क्लियर then moon diameter so moon diameter kitna ho gaya moon diameter
equal to इसका बन 4 मतलब x upon 4 then this is d equal to अर्थ डायमीटर भी x yeah then moon radius and diameter radius भी so the radius of the earth just half of इसके तो x upon 2 clear and moon diameter तो moon का diameter x upon 4 है तो इसका radius क्या हो जाएगा moon radius equal to x upon 4 divided by 2 क्योंकि ये इसका half होता है तो this is the x upon 8 so now we can write x upon 8 clear understood then अब उसने क्या बोला है find the ratio of their surface area so surface area of first surface area of moon क्या होगा हमारा 4 pi r square फॉर्मूला होता है मून भी स्फीयर के शेप में होता है तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर मींस x अपॉन 8 का स्क्वायर क्लियर एंड सेम टू सेम सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अर्थ का क्या होगा 4 pi r मतलब x अपॉन 2 का होल स्क्वायर देन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि हम तो इनका रेशियो बता रहे हैं तो रेशियो किसका सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है ना तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है यहां लिख सकते हैं हम 4 पाई इनटू एक्स x अपॉन 8 इनटू x अपॉन 8 अपॉन 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ x अपॉन 2 इनटू x अपॉन 2 क्लियर देन 4 पाई टू 4 पाई कट एंड अब सॉल्व बाय रेसिप्रोकल सो दिस इज x upon 8 into x upon 8 and numerator change in denominator so 2 upon x into 2 upon x x cut 2 into 2 4 4 to the 8 so this is 1 upon 16 ratio kya aa gaya surface area of moon and surface area of ratio this is the 1 upon 16 clear So, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी स्टूडेंटों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो अपना ईयरफोन जरूर लगाएं जिससे कि आपको आवाज भी क्लियर आएगी और आपके लिए दिमाग भी आपका कंसंट्रेट होगा इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा ओके थैंक यू